सो वेलकम अगेन. ये है पार्ट टू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का. पार्ट वन आप लोग देख के आए होंगे होप सो. और मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में जो सवाल थे मुझे लेके जो विचार हैं वो थोड़े से बदले हों या थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लगा हो. तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पार्ट को. और उसके अंदर जो पहला सवाल है वो पूछा है मुझसे अंकिता मेहता ने, आपको आपकी फैमिली कैसी लगती है, क्या वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं. पहले पीहर वाली फैमिली की बात कर लेते हैं. बचपन में मम्मी की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, पापा की और मेरी बहुत अच्छी बनती थी. शादी के बाद मम्मी की और मेरी बहुत अच्छी बनती है, पापा की और मेरी थोड़ी सी खटपट खटपट होती रहती. मीन्स ऐसा कुछ नहीं पर मजा आता है लड़ाई वगैरह करने में. मम्मी से पहले बहुत नोक झोंक करती थी, मैं हर बात पे लड़ती थी, अब पापा से लड़ती हूँ. और वहाँ पे मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा फ्रेंक हैं, बहुत ही ट्रस्ट करते हैं. और इस वजह से उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दिया है पढ़ाई में भी हर चीज़ में. तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि हाँ एटलीस्ट मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं. भाई को लेके तो भाई तो टॉम एंड जेरी से भी भयंकर वाला है. मीन्स हम दोनों अगर बैठ जाएं 5 मिनट तो हमारी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट आता है ये ससुराल का. तो ससुराल में तो मैं जस्ट ऑपोजिट हूँ, जो मेरा नेचर है उससे बिल्कुल अलग. मीन्स मेरा नेचर है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत लड़ना, तेज़ बोलना और कुछ इस टाइप का है. तो यहाँ पे मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, बिल्कुल प्यार से बात करती हूँ, एकदम काइंड ऑफ संत. तो जैसे अपन होंगे वैसे ही सामने वाला होगा. तो फैमिली में मुझे यहाँ पे सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. देवर देवरानी और दादी जी, मम्मी जी, पापा जी और हस्बैंड भी, क्योंकि मेरा यहाँ पे नेचर बिल्कुल ठंडा है और सबसे बहुत अच्छी बनती है. और मेरे को मेरी फैमिली इस वजह से बहुत अच्छी लगती है. कोई कुछ कहता नहीं है किसी को, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, अपने अपने काम से काम करते हैं और मज़ा आता है. ज़्यादा देर बैठते भी हैं हम साथ में, टीवी भी देखते हैं, बातें भी करते हैं, सासू जी से भी कर लेते हैं, दादी सासू जी से भी कर लेते हैं. मीन्स बोर होते हैं तो मीन्स काफ़ी मज़ा आता है हम लोगों को. और मम्मी के घर से ज़्यादा मुझे मुझे ससुराल में आता है हकीकत पूछो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बातें करने वाले. वहाँ पे मुझे कोई मिलता नहीं है पीहर में. अभी तो पीहर में चलो भाभी आ गई है तो उनसे मन लग जाता है. और मम्मी भी मतलब अब तो मम्मी से भी अच्छी खासी बात करने लग गई मैं. पहले है ना शर्म वरम आती, शर्म तो क्या ही आती थी पर लड़ती बहुत थी मम्मी से, तो नहीं बैठती थी, पसंद नहीं आता था मुझे ऐसा. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांश सांखला का, विल यू एवर ट्राई फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम इन गवर्नमेंट फील्ड. ना, क्लियरली नो. क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है आई एम एन इंट्रोवर्ट. मुझे ज़्यादा लोगों के साथ में बैठना, उनके साथ में बातें करना वो चीज़ थोड़ी कम पसंद है. और मीन्स डायरेक्टली अगर कोई आ जाए तो मैं दो चार लोगों से बात कर सकती हूँ. भीड़ में मुझे जाना पसंद नहीं है, ज़्यादा ग्रुप पसंद नहीं है, ऐसे ग्रुपिंग भी नहीं. तो जो मतलब बाहर की फील्ड में जाना ना, मतलब इट्स नॉट माई टाइप ऑफ, मीन्स मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़. तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं नहीं कर सकती. और ऐसे नहीं है, ऑफर्स काफ़ी आए हैं. मीन्स मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट थी शुरू से, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट नहीं थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी. डायरेक्टली जॉब करना चाहूँ तो भी लग जाती है, बट आगे फिर जॉब के अंदर वो कंपनी, कंपनी के बाद में देन एक ग्रुप और वो फ्रेंड्स, तो वो सेटल नहीं बैठता. मैं फैमिली के साथ में खुश हूँ बस. नेक्स्ट है राधिका राठौलिया, राठोई रालोठिया, मतलब राधिका ने क्वेश्चन पूछा है. आगे का मैं स्पेल आउट नहीं कर पा रही हूँ कि क्या नाम लिखा मैंने, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अजीब सी लिखी है. अभी मैंने ये देखा, इतने गंदे तरीके से लिखे ना आधे घंटे तक बैठ के क्वेश्चन. तो राधिका ने मुझसे पूछा है डिस्क्राइब योर देवरानी जिठानी बॉन्ड. हमारा, मेरा और जो मेरी देवरानी का बॉन्ड है वो कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ. आप लोगों को कैमरा में देख के लगता होगा कि हम दोनों की नहीं बनती हैं, या फिर हम दोनों कम साथ में रहते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ में नहीं रहते. बट इन रियलिटी
हम दोनों एक थाली में खाना खाते हैं दोनों टाइम। जब तक वो नहीं आती तब तक मैं खाना नहीं खाती, जब तक मैं नहीं आती तब तक वो खाना नहीं खाती है। हम दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जब किसी का ज़्यादा काम होता है तो उनके रूम में जाके उनकी हेल्प भी कर देते हैं, और एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक बातें भी करते हैं, और जितनी भी मन की भड़ास होती है वो सारे निकाल भी लेते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा मज़ा आता है साथ में रह के। बट हम दोनों साथ में इसलिए कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग नए घर पे रहते हैं, और नए घर का ध्यान रखने के लिए दो में से एक जना तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दोनों साथ में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बैठती। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और मीन्स शादी के बाद में अभी काफ़ी अच्छा बैठ गया है हमारा बॉन्ड। तो मुझे किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीन्स उससे बात हो जाती है, मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं बात करते हैं, और खाना हम लोग साथ में खाते हैं तो काफ़ी अच्छे से मन लग जाता है और पेट भर के खाना भी खा पाते हैं। तो कुछ इस टाइप का रिश्ता है मेरा और मेरी देवरानी का। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लोगों की थोड़ी गलत फहमियाँ दूर होंगी। नेक्स्ट है ज्योत्सना का क्वेश्चन, आपके हबी शादी के टाइम बहुत पतले थे। सही बात है, अब इतने मोटे कैसे हुए मुझे भी बताओ, मुझे भी मोटा होना है। ओके तो मेरे हस्बैंड की जब शादी हुई थी तब उनकी एज थी 19 और 20 19 एंड हाफ, मीन्स 20 समथिंग, 20th रनिंग था उनको, और 20 की एज में इंसान पतला ही होगा। उसके बाद में अब वो हैं 27-28 साल के, तो वो मोटे हो गए हैं। मींस हेल्थ की एज के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ बढ़ गई है, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा खुश रहते हैं। कहते हैं ना शादीशुदा आदमी का पेट निकला हुआ होता है तो वो ज़्यादा खुश, तो आराम से खुश खुश रहते हैं। घर में गाय भैंस है, उसका दूध दही घी वगैरह खाते हैं। दुकान पर बैठक का काम है तो वो बैठे बैठे मोटे हो गए, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आशु, क्या नाम लिखा है मैंने, आशुई साहू। अब नाम तो शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, बट आशुई साहू ऐसा नाम है। उन्होंने पूछा है आप भोलेनाथ की बहुत पूजा करते हो, आपको ऐसा क्या चाहिए। पूजा करने का ये मतलब नहीं होता हमेशा कि हमें कुछ चाहिए ही, कुछ श्रद्धा भी होती है तो कुछ होता है। बट यहाँ पे बिल्कुल सही पूछा है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे भी चाहिए एक बेबी, और बेबी से रिलेटेड मैं काफ़ी पाठ पूजन करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से बेबी हो जाए, और मेरी भी एज जैसा कि फटाफट निकल रही है, 26 रनिंग है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोनाली का, आपकी लाइफ जो है अभी क्या आप उससे खुश हैं। आई मीन बाकी लोगों से अलग है, जैसे विलेज में रहना, कम घूमना एंड ऑल। तो यस आई एम वेरी हैप्पी। उसके पीछे रीजन ये है कि शुरुआती 16 साल पैदा हुई तब से 16 साल तक नॉन स्टॉप घूमी हूँ। पापा फौज में थे, पंजाब, देन उससे पहले कश्मीर, बाड़मेर, मीन्स मैं हाफ ऑफ इंडिया देख चुकी हूँ, और घूमना नाउ फ्रस्ट्रेटेड। अब जब यहाँ पे आके स्टॉपेज लगा तो अच्छा लगता है, काइंड ऑफ सुकून, काइंड ऑफ पीस, और यहाँ के लोग। एक चीज़ मैं आप लोग को कहना चाहूँगी, गांव के लोगों का जो दिल होता है ना वो बहुत साफ होता है, मीन्स बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, लाइक अ क्रिस्टल, और पानी की तरह बिल्कुल उनका दिल भी साफ होता है। जो भी होता है मुँह पे कहते हैं उस, और ऐसा कुछ नहीं होता उनके मन में। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं मतलब आज के टाइम पे भोले ही होते हैं गांव के लोग भी, और जो शहर के होते हैं उन्हें डाउन पेच आती है, पॉलिटिक्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जो प्यार होता है आधा वो दिखावे का होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा फील करती हूँ कि हाँ मैं गांव से हूँ। और कम घूमने की बात करें तो महीने में 4 से 5 बार मैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाती हूँ, हस्बैंड लेके चले जाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 1 से 2 बार तो हम निकल ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमीन खान का, भरत जी और आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई थी, दोनों साइड का रीज़न बताना। मेरी साइड का तो सिंपली कि मैं बहुत छोटी थी, बट जो लड़का था वो मेरी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, छोटा सा क्यूट सा। वही जो मेरे ससुराल साइड की फैमिली थी उनको भी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी,
तो पसंद आते ही हमारे जो समाज है, सोनी समाज सुनारों का, वहां पे एजुकेशन मैटर नहीं करती है, बिजनेस होता है बंदे के पास में। अगर वो अच्छा कमा रहा है तो उसको लड़की भी मिल जाएगी। हमारे पास में डिग्री नहीं होती है, चलता है, हुनर होना चाहिए। तो हम दोनों की इस वजह से जल्दी सगाई हो गई थी। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। दिन 2 साल वेट किया, बट उससे ज़्यादा वेट करना तो सब लोग पूछने लग जाते हैं कि इतना टाइम हो गया, शादी क्यों नहीं हुई, सगाई टूट जाएगी, ये वो। दिन 2 साल के बाद में हम लोगों ने शादी कर ली। तभी भी एज नहीं थी, 18.5, 19.5, 18.5 साल की मैं थी। तो ये रीज़न था हम दोनों की जल्दी शादी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है इजी पेंटिंग ने, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड नेम। मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड का नाम बताऊं तो है हर्षिता, और ये एक ब्लॉग में मैंने आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाई है। मीन्स उससे मिले हुए मुझे भाई की शादी में कार्ड देने गई थी और भाई की शादी में मिली थी, मीन्स 5 महीने, और रेगुलर बेसिस पे उसके साथ में घूमने गए, उसके घर पे गए, मुझे 5 से 7 साल हो गए हैं। मीन्स मैं सगाई और शादी के बाद में उसके घर पे नहीं जा पाई, इतना बिजी शेड्यूल है भाई मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी आमेटा का, कॉलैब की साड़ीज वापस आप और सेल करती हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो मेरी सारी न्यू साड़ीज ही होती हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं लोग उनको मैं वापस से सेल आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस गौर का, आपकी सास का नाम क्या है? इमेजिन कर सकते हो क्या नाम होगा? एक मूवी का नाम है, वैसे तो सब समझ ही गए होगे, तो मैं बता देती हूँ, मेरे सासू जी का नाम है पुष्पा। समझ गए? मैं झुकेगा नहीं साला। सोनाली मुझसे पूछ रही है कि आपकी इनकम क्या है? तो महीने के कम से कम मैं 20,000 कमा लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 50,000 कमा लेती हूँ, और कभी नहीं भी कमा पाते महीने में। मींस ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, मींस मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना मुझे पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज नो इनकम। ऐसा कोई फिक्स इनकम है नहीं, गवर्नमेंट सर्विस है नहीं मेरी, बट हाँ ठीक है, रेगुलर बेसिस पे 20-25 हज़ार हम एवरेज मान के चलते हैं ना। और ये मत बोलना दीदी आप झूठ बोल रही हो, नहीं भाई मैं सच्ची में इतना सही कमाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना एथनिक वेयर का, हाउ टू ग्रो आईब्रोज फास्ट। आईब्रो को आप कैसे जल्दी बढ़ा सकते हैं, उसके पीछे मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। जैतून का तेल होता है ऑलिव ऑयल, उसे आप रोज रात को ऐसे लगा के सोएं, और ऐसा 5-6 महीने तक करें, आपकी आईब्रोज गाढ़ी भी हो जाएंगी और आईब्रोज भी जल्दी आएंगे और फास्ट आएंगी। सोनी कुड़ी जहांगीर का क्वेश्चन है मुझसे, वेट लॉस कैसे किया दी? इसका आंसर देना पड़ेगा, वैसे आप सब लोगों को पता है। तो सोनी कुड़ी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, अच्छा लगा मुझे ये पूछ के, बट मैंने कोई वेट लूज नहीं किया है। एक तो मैं ट्रीटमेंट पे हूँ, जैसा कि पीसीओडीज है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा तो ऑब्वियसली वेट लूज होगा ही। दूसरा, अब इस बार साल में तीसरी बार मुझे टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड होने के बाद में हेल्थ मेरी 5 किलो वजन घट गया, थोड़ा सा गोलियों की वजह से, थोड़ा सा हेल्थ की वजह से। तो ये रीज़न था मेरा वेट लूज़ करने का। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना छोड़ दें, तो आप जल्दी वेट लूज़ कर पाएंगे। सुबह गर्म पानी पिएं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है शिवानी अंकुर जैन का क्वेश्चन, आप कहाँ रहते हो? आप मेरे फेवरेट हो, थैंक यू सो मच शिवानी। और मैं हूँ राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ से हूँ, मैं हूँ चित्तौड़ से, और चित्तौड़ अभी मैं नहीं रहती हूँ, उसके आगे एक गाँव है छोटा सा, वहाँ मेरा ससुराल है जो कि 55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। तो ये थे सवालों के कुछ जवाब, और होप सो आप लोगों को मैंने बोर नहीं किया होगा, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गई। तो जो ये चीज़ है कि बेबी से रिलेटेड, तो उससे आप क्लियर हो गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं प्लान नहीं कर रही, नहीं, ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज मुझे कंसीव नहीं हो रहा, बट सून स्टे पॉजिटिव। जो लोग अभी तक नहीं कंसीव कर पा रहे उनके लिए मैसेज है,
बी पॉजिटिव, आप लोग बी पॉजिटिव रहिए आराम से। मेरी शादी को भी 7 साल हो गए, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर पार्टनर सपोर्टिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप किसी से भी लड़ सकती हैं, सब कुछ फेस कर सकती हैं। समाज, फैमिली और ऑडियंस मीन्स हर इंसान से आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है, वही मेरे साथ है। बहुत टाइम तक मैंने नहीं डिक्लेयर किया था, बट मैंने कहा छुपाने वाली बात क्या है इसमें, तो बेटर शेयर करना चाहिए। तो जो लोग सफ़र कर रही होंगी उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये था मेरा ब्लॉग आज का, और होप्स आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और घर वालों से भी सब्सक्राइब करवाना। और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेती आती रहूँगी, लेके आती रहूँगी। मैं बोलते हुए कितना अटकती हूँ हैरम, पता है टोटल 30 मिनट्स मैं नॉन स्टॉप बोली हूँ अभी। अब मैं जाती हूँ, अब मुझे करना है शूट, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देन आई टेक रेस्ट। एक ही चीज़ बोली ना मैंने, रेस्ट भी करूँगी और पता नहीं क्या बोला था अभी, एक ही साथ में दोनों। हाँ मतलब ठीक है, उसके बाद मैं फ्री होके बस मैं सो जाऊँगी या फिर मूवीज़ देखूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है कोमल सोनी 781। कितनी बार बताऊँ, वापस बता देती हूँ, आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। सो नहीं कर पाऊंगी तो भी आईडी बोल देती हूँ, कोमल सोनी 781, KOMALLSONI 781। ओके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय बाय।